उसकी वीडियो में मैं आपको 237 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ इसके प्राइम नंबर्स हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल आना ज़रूरी है। फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेस होती है उसी तरह मैंने 237 की भी दो ब्रांचेस बनाई। लेफ्ट साइड आपको हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेगा, राइट साइड अगर आपका प्राइम नंबर आ जाए तो वहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3 × 79 237 हुआ। लेफ्ट साइड तो प्राइम नंबर है ही, लेकिन राइट साइड भी आपका प्राइम नंबर आ गया तो यहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो गई। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही गलत, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी के सभी प्राइम नंबर मिलेंगे। इन प्राइम नंबर को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। 3 × 79 237 हुआ। इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है एंड 3 × 79 237 के प्राइम फैक्टर्स भी होंगे।